स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसको इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ये कर दिए, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा इस स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिए, इसको नॉर्मल रखें। तब हम लोगों का बताओ कि ये जो एक्सपेंशन डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब कैसे एक्सपेंस हो रहा है, मान लो यहाँ से पुलिंग फोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ से पुलिंग फोर्स लगा दिया, ये वाला सेम रह गया पर यहाँ से हम लोगों का एक्सटेंड कर गया। तो यहाँ से के पूछ ले, एक्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ से हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें ये सीखने मिलेगा। और अप्रोचिंग सही होना चाहिए, अगर अप्रोचिंग सीख गए किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, तो आप लोगों का वही तो इम्पोर्टेंट है यार। सेमीकंडक्टर से जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018-19 में, तो बस उसमें अगर अप्रोचिंग मालूम है कोई भी क्वेश्चन का, तो आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। जैसे नीट 2018 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, तो उसमें काइनामेटिक्स इन्वॉल्व था, तो काइनामेटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को मालूम है कि वी स्क्वायर इक्वल टू जो भी है यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वो फॉर्मूला है आप लोगों को मालूम है कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्वेश्चन ईजिली बन जाता। तो ये कर लेना बुक। अब आ जाता है पहला एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या चीज़ है आप लोगों को मे भी मालूम हो, और नहीं मालूम था तो बता दे रहा हूँ, नीट के लिए भगवत गीता है एनसीईआरटी, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो बोल लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी है। एक बार उठाओ मेरे कहने पर, लगा के देख लो कोई भी चैप्टर, और पेपर से मिला लो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए, ठीक है। प्लस आप लोग अगर एच सी वर्मा पढ़ते हैं तो एच सी वर्मा पढ़ लेना, डी सी पांडे का सॉल्व किए तो कर लेना, अगर ये नहीं किए हैं तो अभी बुक नहीं छूना है, बुक छूना भी नहीं है। एच सी वर्मा अगर नहीं स्टार्टिंग से पढ़े हैं, डी सी पांडे नहीं पढ़े हैं, तो बुक मत छूना, ठीक है, जितना बताऊंगा वो चैप्टर बस कर लो, आपका हो जाएगा। मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स मतलब जहाँ पे मैग्नेट वहाँ का पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मैटर और करंट कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, जितना भी मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर है सारा मैग्नेटिक्स में आता है आपका। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्थ नंबर ऑप्टिक्स और फिफ्थ नंबर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। ये आप लोगों को अच्छे से करना है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर 5 से 6 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 4 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 से 2 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 3 से 2 क्वेश्चन और अल्टरनेटिंग करंट से 2 से 1 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। मैग्नेटिक्स पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स मिला लो तो 5 से 4 क्वेश्चन, ये आप लोगों का है। फिर आता है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, 11 क्लास में पहला थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलोरीमीटर और हीट ट्रांसफर, ये पूरा का पूरा एक साथ, यहाँ से आपसे 6 से 5 क्वेश्चन। दूसरा नंबर में आएगा आप लोगों का एसएचएम एंड वेव्स, एसएचएम एंड वेव्स, यहाँ से आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन। और थर्ड नंबर में आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, रोटेशन, रोटेशन देख लो। फोर्थ नंबर आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी इंक्लूडिंग कोलिजन और इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये एक साथ में। अब फिफ्थ नंबर में काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स इतना कर लो। बात रहा ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन का हो गया, और आप लोगों का जो भी 11 क्लास का चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स दूसरा, और आप लोगों का क्या हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो रोटेशन में ही आ जाएगा, कोलिजन हो गया, काइनेमेटिक्स, एसएचएम वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, और थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे आप लोगों का जो भी चैप्टर बचता है वो। तो ग्रेविटेशन आसान है, ग्रेविटेशन बहुत ही आसान है, नॉर्मल पढ़ना हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स लंबा है, उसको आप लोग इसमें अगर पढ़ना तो सरफेस टेंशन वगैरह सारा कुछ पढ़ लेना, और जो जो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के नाम है कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में बता दूंगा, 5-6 मिनट का लेक्चर डाल दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, 100% श्योर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा आप लोगों का।
ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर छूटता है इसके अलावा इंपॉर्टेंट ज़्यादा वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो ये रहा, तो इसमें से पहले करना है तो ये कर लो कंप्लीट, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लो, मैग्नेटिक्स कंप्लीट कर लो, 15 क्वेश्चन हो गया आपका, मिनिमम 15 क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। मैक्सिमम में भी 17 टू 18 क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो 5 5 5, ठीक है, ये टोटल कर लेना। ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमीटर, सारा कुछ इसी में आता है। मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक्स मीन्स पूरा का पूरा मैग्नेट कंटेनिंग चैप्टर, ठीक है। तो ये कर लिया तो 15 से 18 क्वेश्चन मिनिमम, 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 से 18 क्वेश्चन मैक्सिमम। उसके बाद ऑप्टिक्स करो तो SHM करो, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 3 क्वेश्चन भी मिले तो 6 क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स 20 प्लस हो गया आपका, 80 नंबर का कहानी हो गया। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और उतना हो गया। तब फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना, काइनेमेटिक्स पढ़ना, लास्ट में रोटेशन पढ़ो, खत्म हो गया। मोर देन 35 क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करके आ जाओगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ग्रेविटेशन से, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट 1 क्वेश्चन से, अगर कुछ बचता है तो वहां, तो 35 प्लस यहीं से हो जाएगा। यही है तरीका। छोटा छोटा नोट्स मेरा डला हुआ है, फॉर्मूला का सारा कुछ डला हुआ है, ठीक है, सारा कुछ हो जाएगा। ये बुक लगाओ, NCERT पढ़ो, काम खत्म। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब फोड़ के लाना, मार्क्स आराम से 150 प्लस आएगा, 180 में, अगर लेवल सेम रहता है नीट का तो, नहीं तो 120 लेकर के रखो, 180 में, ठीक है, 180 में 120, और अगर लेवल सेम रहता तो 100 150 प्लस ही आएगा, और यार लेवल थोड़ा बढ़ा दे तो 120 प्लस, और 120 प्लस इज गुड मार्क्स इफ लेवल, इफ ठीक है, अगर लेवल इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है, 120 प्लस। बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आना, 320 के करीबन, 320 प्लस, तो 320 प्लस और 120, 320 प्लस 120 आप लोगों का हो गया 440, और 150 या 140 के करीबन इसमें जोड़ दो तो 590 करीबन हो जाएगा, इजीली आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। अगर लेवल अच्छा चला जाए, जो कि मैं मना रहा हूँ कि पेपर बहुत ही बहुत अच्छा खासा टफ लेवल का बनाए, अब आप लोगों को लग रहा हो क्या बोले जा रहे हैं, आपके लिए ही बोल रहा हूँ, पेपर अच्छा बनाए, कट ऑफ 454 मार्क्स ये होना चाहिए कट ऑफ नीट का फॉर जनरल कैटेगरी, 454 या 453 ये कट ऑफ होना चाहिए था, ये कट ऑफ था 2016 तक, ये कट ऑफ था, ऐसा मत बोलना ये कट ऑफ, इससे भी कम कम कट ऑफ होते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ होना चाहिए, फिर से आना बहुत जरूरी है, 650-700 यार कट ऑफ, वो कट ऑफ नहीं होता है, एक्यूरेसी समझते हो, 100% का एक्यूरेसी होता, क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए, लगाया है तो सही बना के आया, ऐसा अभी एक्यूरेसी चल रहा, ठीक है। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत ही अच्छा करोगे आप लोग, फोड़ दोगे इस बार, ठीक ना, बस मन। हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। देखो ये रिकॉर्ड करके फिर डिलीट कर दिया, तो फिर से बताता हूँ मैं, एक्चुअली ये फिजिक्स के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फिजिक्स में हम लोग कैसे मार्क्स लाया जाए। उससे पहले एक चीज याद रखना अपने दिमाग में, इस चीज को जरूर डाल लो, क्योंकि अब आप लोगों का नीट होगा, ठीक है, आप लोगों का नीट प्लस एम्स प्लस, देखो यहाँ पे नीट प्लस एम्स प्लस जिपमर, ये आप लोगों को मुझे मालूम है कि बहुत पहले से मालूम है, बट बहुत पहले से मालूम है पर मेरे को अभी मालूम चला, ठीक है, वो कब, जब फॉर्म निकला, जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कोई भी बोले मुझे बिलीव नहीं होता। तो अब तो आ चुका है नीट का फॉर्म, और नीट में ही आप लोगों का सारा कुछ है, तो यहाँ पे याद रखना जो भी है सही है, ठीक है, डरना नहीं है कि क्या हो गया यार, जिपमर का लेवल तो नहीं आ जाएगा, एम्स का लेवल तो नहीं आ जाएगा नीट में, जो भी लेवल आ जाएगा, सिलेबस तो भाई एक ही है और एक ही सिलेबस सब पढ़ के जाते हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी फिजिक्स आप लोग आधा स्टूडेंट डरे हुए हैं, मतलब 15 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख स्टूडेंट, मोर देन 10 लाख, डरता तो टॉपर भी है, जो 2019 में टॉप करेगा उसको भी डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है, क्या मैं टॉप करूंगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, अभी तो बहुत डर लग रहा होगा और बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप आ रहा होगा, प्रेशर टाइप लग रहा होगा, बट वो कुछ नहीं, जो टॉपर है ना, मतलब जो 2020 में जो टॉप करेगा उसको भी डर लग रहा कि क्या मैं टॉप कर पाऊंगा कि नहीं, क्या टॉप 10 आएगा कि नहीं,
सबको होता है, लाजमी सी चीज़ है वो। तो नीट प्लस एम्स प्लस जिपमर ये साथ में हो रहा है, और जो भी है अच्छा के लिए है, आप लोगों का इसमें बेनिफिट होगा। एक जो टॉपर होता है ना वो 5 सीटें ब्लॉक करके रखता, इस चीज़ को याद रखना है। एक जो टॉपर होता है 5-6 सीटें ब्लॉक कर देता। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1, नीट 2019 ऑल इंडिया रैंक 1, उसका आया था 78 एम्स का रैंक, ठीक है, एम्स ऑल इंडिया रैंक 78, तो उसका 78 आने के कारण 2-3 रैंक से रह गया एम्स दिल्ली। और एम्स दिल्ली में नहीं होता, इट मीन्स कि एम्स प्रिफर नहीं करते हैं टॉप 10 स्टूडेंट या टॉप 50 स्टूडेंट। नीट का जो टॉप 50 स्टूडेंट रैंक लाने वाले, अगर उन्हें एम्स नहीं मिलता, एम्स दिल्ली नहीं मिलता दिल्ली, तो वो एम्स प्रिफर नहीं करते, कोई भी एम्स वो नहीं जाते हैं। क्योंकि नीट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बेस्ट, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे एम्स उनके सामने फेल है। मौलाना आज़ाद, सीएमसी वेल्लोर, और भी 2-3 कॉलेज है, लखनऊ में है एक कॉलेज, बीएचयू हो गई, ठीक है ना, अच्छे अच्छे एम्स फेल है, बस एम्स दिल्ली है जो कि उसको मतलब बोला जा सकता। तो वो इधर भी बुक हो जाता है, इधर भी बुक हो जाता है, अच्छा खासा सीट ब्लॉक कर देते। अब नहीं होगा आप लोगों का, इस चीज़ को अच्छा रखना। इसमें सिर्फ गलत एक चीज़ है ना कि वो 75% प्राइवेट सीट को गवर्नमेंट सीट में तब्दील कर देंगे, वो गलत चीज़ है। अगर 500 नंबर पे भी जो भी है, 500 नंबर बोलो या 450, 300 कम मार्क्स पे भी अगर उन लोगों को प्राइवेट कोटा में गवर्नमेंट सीट दिया जाता है, मीन्स कि पैसा कम लगता है, तो यार ये तो गलत है, ठीक ना, क्योंकि मेहनत की है, मार्क्स ज़्यादा है, तो कुछ तो उनको देना बनता है। तो खैर हम लोग अब आ जाते हैं। तो इस पे क्या होगा कि बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि फिजिक्स का लेवल बढ़ जाएगा। तो फिजिक्स का लेवल कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी 3 बुक मैं बताता हूँ क्या करना है, और कोई ये नया नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से 2018 से मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 के लिए, 2019 से फिर 2020 के लिए स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि जेईई मेंस का पेपर प्लीज लगा लेना, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग से था। और अब नहीं लगाओगे ना तो अब नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को याद रखना। और जेईई मेंस टफ नहीं होता है, जेईई मेंस आसान होता है, ठीक है, आसान होता है, जेईई एडवांस भी आसान होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, नीट का हो या जेईई मेंस का हो या जेईई एडवांस का हो। यहाँ आपसे 2 कॉन्सेप्ट पूछेंगे, आईआईटी एडवांस में आपसे 3-4 कॉन्सेप्ट पूछेंगे, और नीट में आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 फॉर्मूला होगा, बाकी का बाकी कैलकुलेशन होगा। यहाँ आपका 2-3 कॉन्सेप्ट होंगे, 2-3 फॉर्मूले लगेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा खासा होता है। कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना पड़ेगा इन जेईई मेंस और जेईई एडवांस, बट यहाँ पे नीट में आपको हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो जेईई मेंस में 2, नीट आप लोग कर लो सही से, नीट का प्रीवियस ईयर, और बस इतना ही करो। जेईई एडवांस का प्रीफर देखो, जिसका जो लेवल है ना तो वो जेईई एडवांस का भी कर लेना, मतलब सबके लिए नहीं है ये, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब यहाँ से एसएचएम का क्वेश्चन है, अब पुराने साल का एसएचएम लगाओगे ना तो लगेगा यार ये तो नीट से भी ईजी है, ठीक है। जेईई एडवांस का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लगा करके देखो एक बार, ऑर्गेनिक का सिर्फ देखना, पढ़ना, लगाना होगा, अगर बुक होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर बुक होगा तो जेईई एडवांस का पेपर मैंने करवाया था, बहुत क्वेश्चन उठा करके देखो, देखो क्या नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, सॉरी नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव वाला पढ़ना क्वेश्चन। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में 3-4 चैप्टर हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। अल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक कैटोन, और मतलब कार्बोनिल कंपाउंड विथ कार्बोक्सिलिक है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल वाला ये, और नाइट्रोजन वाला, इन तीनों चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चैप्टर जे एडवांस का एक बार उठाकर बुक होगा तो देखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। नीट का पेपर है, नीट का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, मे बी वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन था, ठीक है। कहाँ से पूछा गया था, जेईई एडवांस 2016 का कॉम्प्रिहेंसिव से उठा करके पूछा गया था, 16 या 17, ठीक है। तो इस तरीका से अब तो आने वाला है, अब एम्स जुट गया है, तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि लो भैया 650-700 नंबर ले जाओ। अगर ऐसा फिर दोबारा होता है तो ये सही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रह जाएगा। जेईई मेंस का तो हालत खराब कर दिया इस बार 2019 में, जब से एनटीए आया है,
पर जेई मेंस का कट ऑफ जाता है 33.75 मार्क्स आउट ऑफ 360 फॉर जनरल स्टूडेंट कट ऑफ हो जाता। पर इस साल 2000 जब से एनटीए है बहुत कुछ चेंज कर चुका है जेई मेंस में। जेई एडवांस आप लोगों को 33 परसेंटेज चाहिए होता, शायद में भी 23 ठीक ना, तीनों में इंडिविजुअली पासिंग होना चाहिए, मे बी 33 या 23 मार्क्स होना चाहिए और अच्छा खासा 540-560 के करीबन उसका हुआ करता था। अभी क्या है, अभी मुझे मे बी 360 हो गया होगा, उतना नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये रहा। अब फिजिक्स में करना क्या है, अब 2 मिनट में मैं बता दूंगा आप लोगों को फिजिक्स में करना क्या है, पर इस चीज को आप लोगों को बताना जरूरी था, समझाना जरूरी था कि आप लोग कम से कम बुक उठाओ और सॉल्व करो। ठीक है, बात रही एच सी वर्मा डीसी पांडे अगर सॉल्व कर चुके हैं जो स्टूडेंट तो ठीक है कर चुके हैं, पर जेई मेंस का पेपर अब लगा करके जाना और जो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं तो वो एटलीस्ट जो चैप्टर बता रहा हूँ वो चैप्टर को अच्छे तरीका से कर लो और जो सही से पढ़े हैं उनको जेई मेंस और नीट का प्रीवियस ईयर लगा लेना, अगर टाइम बचता है तो जेई एडवांस भी लगा ही लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मत लगाना, एमसीक्यू सिर्फ पन्ना पलट लेना, बाकी जो दो ऑप्शन वाले एमसीक्यू आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वाले आते हैं वो एक बार देख लेना, वहां से ना कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। क्वेश्चन देखो आंसर देखो ये जेईई एडवांस का करना, वहां से कॉन्सेप्ट सीखोगे और कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग हो गया यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से स्प्रिंग हो गया यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब क्या बोल रहा है कि इसको